इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज की चर्चा हर जगह हो रही है बिकॉज दिस पैंडेमिक हैज मेड अस मोर फाइनेंशियली अवेयर। तो कहा जाता है कि 20s में या फिर लेट टीन्स में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बट अगर डेटा को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इस एज तक इंडिया के ज्यादातर टीनएजर्स के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता क्योंकि उनकी पढ़ाई ही चल रही होती है। When they don't have any source of income, how they can start investing? See, आपके पास बेशक पैसे ना हो इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में या रियल एस्टेट में या कहीं पर भी, बट यू हैव द मोस्ट प्रेशियस एसेट एंड दैट इज योर टाइम। यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग अबाउट रियल एस्टेट, फाइनेंसेस, रीड बुक्स, वॉच वीडियोस अबाउट फाइनेंसेस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है लाइफ में आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा। अभी बेशक आपके पास पैसा ना हो पर लाइफ में जब आगे आप पैसा कमाने लग जाओगे तब वो चीज आपको इवेंचुअली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम सेइंग कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। यू हैव द मोस्ट प्रेशियस एसेट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग अबाउट फाइनेंसेस।